भारतीय जनता पार्टी ने 77 प्रत्याशियों के जो है नाम घोषित कर दिया गया है। अब प्रत्याशियों जो है नामांकन दाखिल करने की भी प्रक्रिया शुरू कर देंगे, क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आने की वजह से अभी तक से नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन आज से अब जो है 77 प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के अब वो नामांकन दाखिल के लिए जो है लंबी कतार लगाएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि नामांकन के लिए भी समय नहीं है और 2 दिनों का समय बचा है। तो इन 2 दिनों के समय पर जो नामांकन दाखिल करके जो है स्क्रूटनी का भी काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तेज़ी से काम शुरू कर दिया है और 2 दिनों के भीतर नामांकन दाखिल कर दी जाएगी। वही कई मुद्दे ऐसे भी उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिनको टिकट दी गई है उसको लेकर भी कई तरह के विवाद बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार विवाद की घड़ी भी शुरू हो गई। तो खबरें भी और है, बने रहे दिलीप डॉट इन के साथ।